गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे सेल चैप्टर जो हमारा 8th चैप्टर है उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए। क्या आप लोगों को प्रॉपरली सारा समझ में आ रहा है? ओरली किसी के थ्रू बोला गया टॉपिक अगर आप बार बार रिवाइंड करके सुनेंगे, क्योंकि टीचर अगर आपको ऑफलाइन समझा रहा है ना तो फिर भी शायद आप एक बार पूछ लेंगे, दो बार पूछ लेंगे, लेकिन जब वीडियो आपके पास है तो आप रिपीट एंड रिपीट उसे देख सकते हैं। रिपीट कर करके देखने से होगा क्या, आपको चीज प्रॉपरली लर्न हो जाएगी और जब आपके ऑफलाइन एग्जाम स्टार्ट होंगे तो आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनेल से स्टार्ट करते हैं जो रह गए हैं, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट रह रहा है दैट इज गॉल्गी अपैरेटस। गॉल्गी अपैरेटस, इसे गॉल्गी बॉडीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल्गी बॉडीज। फर्स्ट पॉइंट, सर्च्ड बाय, किसके थ्रू सर्च किया गया था ये? सर्च्ड बाय कैमिलो गॉल्गी। क्या नाम था? कैमिलो गॉल्गी। इसी रीजन से गॉल्गी बॉडीज कहते हैं। सेकंड पॉइंट, क्या करता है ये? ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है ये? एक तो प्रोटीन को और कुछ अदर सब्सटेंसेस को। क्या करता है? ट्रांसफर करता है, बट ये लेता किससे है? पहले ये लेता है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो प्रोटीन फिलिपिड्स वगैरह बनाती है ना, उसको सेल में ट्रांसफर कराना, इधर उधर हर ऑर्गेनेल तक ले जाने का काम किसका होता है? गॉल्गी अपैरेटस का। ठीक है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों? ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फैली हुई सी, दबी हुई सी। तो गॉल्गी अपैरेटस के लिए सिर्फ इतना ही है कि कैमिलो गॉल्गी के थ्रू सर्च किया गया था। कुछ फ्लैटेन स्ट्रक्चर हैं जो सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, इनका काम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। किस चीज को ट्रांसफर कराती हैं ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको लेकर के पूरे ऑर्गेनल्स तक ट्रांसफर कराती है। इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बने हुए सब्सटेंसेस को लेना और फिर भिजवाना, यानी कि रिसीव करती है फिर उसे आगे ट्रांसफर करती है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो पे आप ऑर्डर करते हैं किसी होटल से, तो होटल तो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, खाना बना करके उसने किसको दे दिया? जोमेटो वालों को, यानी गॉल्गी अपैरेटस को, और फिर वो आपके घर तक उसको डिलीवर कर रहे हैं, यानी सेल के ऑर्गेनल्स तक उसको पहुंचा देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया गॉल्गी अपैरेटस। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनल बच रहा है दैट इज सेल वॉल। क्या बच रहा है हमारा नेक्स्ट? सेल वॉल। हमने एक पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा था ना स्टार्टिंग लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था। एज इट इज क्या है ये? सेल वॉल। इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है कि सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है बच्चों? ये सिर्फ प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट सेल्स। फॉर्म्ड बाय किससे बनी हुई होती है? फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। काफी ज्यादा क्या होती है? रिजिड होती है। अगर आपको रिजिड वर्ड याद नहीं रहता है तो आप उसकी जगह टफ भी लिख सकते हैं कि काफी रिजिड या टफ होती है। फोर्थ, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है किसको? प्लांट को। इस पे सबमिट होते हैं। क्या सबमिट होते हैं मैम? इस पे सेल वॉल पे सबमिशन होता है कुछ डेड सब्सटेंसेस का। प्लांट में जो डेड सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो सेल वॉल पे आके सबमिट होते जाते हैं और वो मोटी होती जाती है। आप लोगों ने देखा है जब नया नया पेड़ उगता है तो थोड़ा ग्रीनिश सा होता है, फिर वो ब्राउन, ब्राउन भी हो तो बहुत थिन होता है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है उसकी प्लांट की जो जो तना होता है, जो स्टेम होती है, उसकी भी थिकनेस बढ़ती जाती है। तो जो प्लांट के सेल वॉल्स होती हैं उस पे थिकनेस क्यों बढ़ रही है? सेल वॉल वैसे ही बन गई सेल्यूलोज की, तो थिकनेस क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ द सबमिशन ऑफ द डेड सब्सटेंसेस। जैसे लिग्निन, सुबेरिन, बहुत सारे हैं, आपको एक दो नाम याद रखने हैं वो डेड सब्सटेंसेस के, दैट इज लिग्निन और सुबेरिन, राइनियरिन,
लिग्नाइन और सुबराइन, लिग्निन और सुबिनिन। ओके, समझ में आ गए दोनों ऑर्गेनल, प्रोटेक्शन के लिए है। बट अब ये मत सोचना कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर ये एक प्लांट सेल है तो ये उसकी क्या है, सेल की मेम्ब्रेन, जो सेलेक्टिवली परमीएबल है। इसके बाहर भी एक डेड सेल का कवरिंग है, दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल का एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, 6 पॉइंट, वो क्या है, नॉट सेलेक्टिवली परमीएबल, सेलेक्टिवली परमीएबल नहीं होती है। इट मींस जब ये डेड सब्सटेंसेस से बनी है, काफी ज्यादा टफ या रिजिड है, तो ये किसी भी चीज को अंदर जाने नहीं देती। तो इट मींस ये डेड सब्सटेंसेस से बनी है, सीजन से सेलेक्टिवली परमीएबल नहीं होती या लेस होती है। आगे यहाँ तक आप लोगों को समझ में? तो ये हुए हैं हमारे नेक्स्ट दो ऑर्गेनिल्स। अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हम कवर करेंगे। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था ना, वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जेनेटिक मटेरियल भी कैरी करता है। जो न्यूक्लियस होता है, इसका काम क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल को क्या करना, कैरी करना। तो अब जो हमारे हैं इन ऑर्गेनिल्स के बाद में, वो हैं कुछ मेन पॉइंट जो इस चैप्टर से बन रहे हैं। ठीक है, तो जो हम लेंगे वो है जेनेटिक मटेरियल के पॉइंट्स। फर्स्ट इज क्रोमोसोम। क्या है क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या है? जब आप न्यूक्लियस बनाते हो ना सेल का, तो उसमें खुद थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होते हैं थ्रेड? हर न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं या होती हैं, उन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन थ्रेड। कौन सा थ्रेड? क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन धागा क्या करता है, जिस टाइम सेल डेवलप होते वक्त क्या करती है, सेल डिवीजन। आप लोगों के सेल डिवीजन अभी नहीं है, 9th RBSC में आता, पर अब कोर्स चेंज हो गया, सीजन से आप लोगों के नहीं आएगा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, एक पेरेंट सेल है, इसको डेवलप होना है, तो ये डिवीजन शो करेगी और दो बेबी सेल बना लेगी। ये फर्दर डिवाइड होंगे, फिर दो बेबी सेल बन जाएगी, फिर फर्दर डिवाइड होंगे, दो बेबी सेल बन गई, दो 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 बढ़ते 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 सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो क्या हुआ कि जिस टाइम एक सेल डिवाइड हो रही होती है ना, डिवीजन शो कर रही होती है, उस टाइम न्यूक्लियस में प्रेजेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंस। और कंडेंस होकर के जो थिक स्ट्रक्चर बनती है, मोटी स्ट्रक्चर बनती है, उस थिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। एक दूसरे से लगने लग गए, इकट्ठे से हो गए क्रोमेटिन थ्रेड्स, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लिया। तो क्रोमोसोम है क्या? द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन थ्रेड्स आर कंडेंस ड्यूरिंग द सेल डिविजन टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक मटेरियल, कैरीज द जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर्स द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स का काम क्या है, ये डीएनए की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बच्चों, डीएनए की फॉर्म। डीएनए फॉर्म में क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं उनके किसको, फीचर्स को किसमें भेजते हैं, ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बेबी में। तो जो क्रोमोसोम बन गए ना क्रोमेटिन थ्रेड के थ्रू, कंडेंस होके मोटे मोटे जो धागे इकट्ठे होके बन गए, वो क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए की फॉर्म में। एक डीएनए बनाते हैं और डीएनए की फॉर्म में ही मम्मी पापा का डीएनए किसमें जाता है, बच्चों में, ताकि मम्मी पापा के जो भी फीचर्स हैं वो किसमें आ जाएं, बच्चों में। हाइट पापा जैसी, आइस का कलर मम्मा जैसा, हेयर कलर दादी जैसा, ये वो जितना भी, तो सारा किस सीजन से आ रहा है, बिकॉज ऑफ डीएनए। डीएनए को भेज रहा कौन है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम बन रहे किससे, क्रोमेटिन थ्रेड्स। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज डी ऑक्सी राइबोज, डी ऑक्सी राइबोज
न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज, एन का मतलब न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ऐसे एक आरएनए भी होता है प्लांट्स में, मैक्सिममली आरएनए वगैरह, इसमें सिर्फ आर है तो डी हट गया, डीऑक्सी हट गया, सिर्फ राइबोज हुआ, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए की। डी का मतलब डीऑक्सी लगा दो और आरएनए का मतलब सिर्फ राइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। आया ये पॉइंट समझ में? तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने वाला क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस हो जाता है तो कंडेंसेशन के थ्रू वो एक थिक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ट्रांसफर्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पेरेंट सेल टू द ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। मम्मी पापा के कैरेक्टर्स को बेबी में भेजने के लिए डीएनए की हेल्प से क्रोमोसोम्स अपने फीचर्स को वहां भिजवाते हैं, बिकॉज फीचर्स ही नहीं पे होते हैं। आया समझ? आ गया। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस का, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस तो हमने पढ़ लिया, फिर आता है न्यूक्लियोलस। क्या आता है? न्यूक्लियोलस। एक सेल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को तो हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। हर न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ छोटी छोटी सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूक्लियोलस, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? द स्मॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल का है, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस में भरा हुआ मैट्रिक्स होता है। तो इसमें प्रेजेंट कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, डीएनए हो गया, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया। अब जो हमारा बचता है वो है, सारी सेल कंप्लीट हो चुकी है, तो अब जो टॉपिक बचता है वो क्या है? अब हमारा टॉपिक बचता है प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। क्या है? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें भी होती है, बट सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग किससे होती है? कवरिंग विद सेल वॉल, जो कि इसमें नहीं होती। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? पिगमेंटेशन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स, जबकि इसमें प्लास्टिड्स पिगमेंटेशन के लिए प्रेजेंट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं ये बच्चों? ऑटोट्रॉप्स। मैम ऑटोट्रॉप्स का मतलब फॉर्म देयर ऑन फूड, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये बना सकते हैं कि आप खाना खुद, अब ऐसे मत बोलना कि मम्मी मम्मी बनाती है। खाना आया कहाँ से? चावल वगैरह पेड़ों से आया, बिकॉज वो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते, हम डिपेंडेड होते हैं। तो हम क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स, हम डिपेंडेड होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, फिर खाना बना लिया, इनमें पिगमेंटेशन हो गया, इनकी सेल वॉल की कवरिंग हो गई, फिर क्या बचा? न्यूक्लियस। कहाँ होता है? कॉर्नर पे। जबकि इसका कहाँ होता है? सेंटर में। क्या रीजन है इसका सेंटर में होने का? बिकॉज इसके वैक्यूल्स एब्सेंट या बहुत छोटी साइज के होते हैं। ठीक है, ये सारा समझ में आ गया आप लोगों को? प्रॉपरली सेल वॉल पूरा हो चुका है हमारा। तो हमारे अभी तक सारे टॉपिक क्या हुए सेल में? वापस मैं सिर्फ पॉइंट्स बोल रही हूँ। सेल, फिर हमने पढ़ा सेल थ्योरी जो श्लाइडेनश्वान ने दी थी, फिर विर्चो ने जो उसमें चेंज किया वो, फिर हमने पढ़ा सेल के तीनों पॉइंट, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और सेल सॉरी साइटोप्लाज्म। फिर हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स, जिसमें हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया,
लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आरईआर, एसईआर, उसके बाद में हमने पढ़ा गॉल्गी अपैरेटस या गॉल्गी बॉडीज, उसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट, फिर मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए, कुछ मैंने आपको बताया प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच का डिफरेंस। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 जो इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लेंथी, बहुत सारे छोटे मोटे से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको कॉपी में प्रॉपरली करने हैं प्लीज, ठीक है? तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे लेक्चर लास्ट लेक्चर जो है हमारा सेल का, उसमें जो क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं वो ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एटीपी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ डीऑक्सी वर्ड चेंज हो जाता है डी लगने से, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसके आगे डी लगा देंगे आर को हटा के, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज गॉल्गी अपैरेटस, गॉल्गी अपैरेटस आर दी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंसेस, प्रोटीन, एनीथिंग एल्स, जो भी जो चीज बन रही है सेल में उसको भेजने का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके इधर उधर ट्रांसफर कराने का। व्हाट इज द व्हाट इज ग्रैनम एंड स्ट्रोमा, ग्रैनम आर कॉइन लाइक बंडल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट नोन एज स्ट्रोमा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, the food formation process of plants in the form of the food formation process of plants in the presence of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. What is the autotroph and heterotroph, the plants or the producers which make their own food with the process of photosynthesis, they are known as autotrophs, and which are properly directly or indirectly dependent on autotrophs known as heterotroph. Differences between the animal and plant cells, जो मैंने अभी आपको just chart बनवा करके समझा दिया है, ठीक है? तो आप notes लिखिए, notes के बाद इन questions के answers कीजिए। हम आपसे next lecture में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, COVID-19 बहुत तेजी से spread हो रहा है, please be safe, thank you।